डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने अपने पिता की जीत के बाद अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक हिंदू मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। यह घटना तब हुई जब एरिक ने ट्रंप के भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगा और साथ ही फ्लोरिडा के हिंदू समुदाय के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने हिंदू समुदाय के साथ अपने समर्थन का वादा किया और यह भी कहा कि वे हमेशा अमेरिकी हिंदुओं के साथ खड़े रहेंगे। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप और उनका परिवार हिंदू समुदाय के प्रति अपने समर्थन को सार्वजनिक रूप से जाहिर कर रहे हैं, जो अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश भेजता है। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में उनके तीन बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, बैरन ट्रंप और एरिक ट्रंप और दो बेटियां इवांका ट्रंप और टिफनी ट्रंप हैं। हालांकि हम यहां ट्रंप के परिवार के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ट्रंप और उनका परिवार खुलेआम हिंदू समुदाय के समर्थन में खड़ा है। इसके अलावा ट्रंप के प्रशासन में प्रो हिंदू समर्थक नेताओं को चुना गया है जो कट्टरपंथियों को सीधा टारगेट करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि ट्रंप का प्रशासन हिंदू समुदाय के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। इससे ट्रंप फैमिली ये दिखाना चाहती है कि वो भारतीय अमेरिकी समुदाय को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब अमेरिका में भारतीयों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ये वही लोग हैं जो वहां के इलेक्शन में वोट डालते हैं और अपनी आर्थिक और सामाजिक पोजिशन से भी अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं। ट्रंप के बेटे का मंदिर जाना असल में एक सिग्नल है भारतीयों को कि हम आपकी धार्मिक और सांस्कृतिक वैल्यूज को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इससे भारतीय अमेरिकी समुदाय को ये महसूस होता है कि उन्हें एक खास जगह मिल रही है और इससे उनके और ट्रंप फैमिली के बीच एक रिलेशन बनने की संभावना बढ़ती है। जेडी वेंस ने यूके की रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी को एक बार ओपनली टारगेट किया था। उन्होंने कहा कि यह पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए यूके के क्रिश्चियन और हिंदू समाज का सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि इल्लीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को ओपन सपोर्ट देती है। इस वजह से जेडी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खुलकर बात की थी। लेकिन जेडी वेंस का हिंदू समाज के प्रति इतना सपोर्ट करने का असली कारण क्या है? क्या यह सिर्फ उनके वोट बैंक का हिस्सा है या फिर इसका कोई पर्सनल कारण है? असल में जेडी वेंस ने एक भारतीय अमेरिकी हिंदू लड़की उषा वेंस से लव मैरिज की है। उनकी शादी हिंदू धर्म के पारंपरिक रीति रिवाजों से हुई, जिसमें दोनों ने सात फेरे लेकर विवाह संपन्न किया। उषा वेंस अपने सनातन हिंदू धर्म पर गहरा गर्व करती हैं और अमेरिका में भी योग और आयुर्वेद का पालन करती हैं। वह अपने घर में रोज भगवान की पूजा करती हैं और अपने पति जेडी के साथ अपने हिंदू संस्कारों को जीती हैं। इसी कारण उनके तीन बच्चों में से एक का नाम विवेक वेंस रखा गया है, जिसे उषा ने रखा है। जेडी वेंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अब उषा के साथ सनातन धर्म की स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में शामिल हो चुके हैं और योग और आयुर्वेद के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जेडी वेंस के हिंदू समाज के प्रति सपोर्ट का बड़ा कारण उनकी भारतीय अमेरिकी हिंदू पत्नी उषा वेंस हैं। जेडी के अलावा ट्रंप की कैबिनेट में अन्य प्रो हिंदू सपोर्टर नेता भी शामिल हैं, जैसे विवेक रामास्वामी, कश्यप पटेल, बॉबी जिंदल और तुलसी गबार्ड, जो ट्रंप के इस 2.0 कैबिनेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू समाज का विशेष स्थान हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक रामास्वामी को ट्रंप सरकार में एक प्रमुख भूमिका देने की संभावना है, जबकि कश्यप पटेल को CIA डायरेक्टर की अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। इसी तरह बॉबी जिंदल और तुलसी गबार्ड भी प्रमुख पदों पर आ सकते हैं, जो अमेरिकी हिंदू समाज और भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इस तरह के सपोर्ट ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की हिंदू सपोर्टर छवि को बहुत पॉपुलर बना दिया है। अब बात यह है कि ये सिर्फ ट्रंप फैमिली ही नहीं, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा कर रही हैं। सब जानते हैं कि भारतीय अमेरिकी वोटर्स का झुकाव जिसे मिलेगा, उसके जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के इशारे से ट्रंप फैमिली भारतीय समाज से एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आने वाले वक्त में उन्हें इनका सपोर्ट मिले और उनके बीच एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सके। अब देखो, अमेरिका जैसे मुल्क में धर्म का रोल तो हमेशा से बड़ा रहा है,
लेकिन अब वहाँ हिंदू धर्म की भी खास जगह बनने लगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी वहाँ तेजी से बढ़ रही है और अपनी पहचान को लेकर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। अब जहाँ भारतीय समाज की संख्या और उनका आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टियां भी इस बात को समझने लगी हैं कि हिंदू धर्म और भारतीय कल्चर के साथ जुड़ने से उन्हें पॉलिटिकल फायदा हो सकता है। अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने भी ये देख लिया है कि अगर वो भारतीय फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, होली में हिस्सा लेते हैं, पूजा पाठ या फिर मंदिर विजिट करते हैं, तो इससे उन्हें भारतीय अमेरिकन वोटर्स से एक इमोशनल कनेक्शन मिलता है। ये सब जेस्चर्स छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब पॉलिटिकल लीडर्स किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं या भारतीय त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, तो भारतीय समाज को लगता है कि उनकी संस्कृति और धार्मिक पहचान को मान्यता दी जा रही है। अमेरिका में अब हिंदू धर्म को सिर्फ एक प्रवासी धर्म नहीं, बल्कि एक ऐसे कल्चर के तौर पर देखा जा रहा है जो वहां के समाज का हिस्सा बन चुका है। तो जाहिर है, पॉलिटिकल फायदों के लिए अब लीडर्स भी इस बढ़ती धार्मिक विविधता को अपनाने लगे हैं। अमेरिका में हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता तो अब काफी बढ़ रही है और इसका कुछ क्रेडिट ट्रंप प्रशासन को भी जाता है। ट्रंप प्रशासन या उनके फैमिली मेंबर्स ने कई बार भारतीय और हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशन दिखाने की कोशिश की है। अब देखो, जब ट्रंप का बेटा किसी हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने आता है, तो इससे एक साफ सिग्नल मिलता है कि वो हिंदू समाज को समझने और उनसे कनेक्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी अपने कार्यकाल में कई मौकों पर भारतीय अमेरिकी और हिंदू त्योहारों को मान्यता दी है। उन्होंने दिवाली पर व्हाइट हाउस में दिए जलाए और कई भारतीय नेताओं के साथ मुलाकातें की, जो भारतीय अमेरिकन लोगों को ये फील कराता है कि उनकी संस्कृति और धर्म का सम्मान किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल मूव्स तो हैं ही, लेकिन इनका इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है। इसका सीधा असर ये होता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी लोग खुद को और उनके धर्म को मुख्य धारा में शामिल महसूस करते हैं। इससे ट्रंप के सपोर्टर्स में हिंदू समाज का इंटरेस्ट बढ़ता है और वो इस रिलेशन को पॉलिटिक्स से हटकर एक कल्चरल कनेक्शन के रूप में भी देखने लगते हैं। ट्रंप प्रशासन की इस पॉलिसी ने हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता और एक्सेप्टेंस को तो बढ़ावा दिया ही है, साथ ही ये दिखाया है कि कैसे एक पॉलिटिकल अप्रोच से कम्युनिटी के बीच मजबूत रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। असल में भारतीय अमेरिकी वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा काफी एजुकेटेड और पॉलिटिकली एक्टिव है और वो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति को वहां के लीडर्स पहचाने और उसकी इज्जत करें। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।